नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनु जी आरती में। दोस्तों, दक्ष्मिनेश्वर काली मंदिर में किस तरीके से प्रतिदिन की सेवा आरती माँ की होती है, उस बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे तो बंगाल में काली पूजा भी जो है दुर्गा पूजा के समान ही बहुत ज़्यादा विख्यात है। दुर्गा पूजा से लेकर जगद्धात्री पूजा तक उत्सवों का मौसम होता है पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी भारत में। दुर्गा पूजा के बाद लक्ष्मी पूजन यानी कोजागढ़ी लक्ष्मी पूजन, उसके बाद दीपावली की संध्या के समय दीपान्विता लक्ष्मी पूजन और रात्रि में कालिका पूजन किया जाता है, और उसके बाद जैसे जगद्धात्री पूजा भी आयोजन किया जाता है। जगद्धात्री पूजा के बारे में भी आप में से कई लोग जानना चाहते हैं, दीपावली के बाद आपको उस विषय में वीडियो मिलेगा। दक्ष्मिनेश्वर काली बाड़ी में, हाँ दोस्तों, दक्ष्मिनेश्वर काली मंदिर को असल में दक्ष्मिनेश्वर काली बाड़ी ही कहा जाता था, जो कि बाद में काली मंदिर नाम से बहुत ज़्यादा विख्यात हो गया। दक्ष्मिनेश्वर काली बाड़ी में वैसे तो दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, जगद्धात्री पूजा, साड़ी पूजा जो है वो मनाए जाते हैं, पर काली पूजा जो होती है वो विशेष होती है। माँ वहाँ पर नित्य विराजती है, इसलिए वहाँ पर नित्य सेवा पूजा पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ में जो है रात्रि कालीन जो पूजा होती है, काली पूजा यानी दीपावली के दिन, उस समय जो है षोडश उपचार विधि से माँ की पूजन किया जाता है, और उसके साथ हवन आदि आरती 108 दीपक जलाकर माँ की पूजा होती है। पर माँ की नित्य सेवा जो है उस दिन विशेष रूप से होती है, क्योंकि माँ वहाँ पर नित्य विराजित है, तो इसलिए नित्य सेवा ही वहाँ पर मूल है। प्रतिदिन की तरह काली पूजा के दिन, या फिर बोल सकते कि काली पूजा की तरह प्रतिदिन जो है माँ की सुबह 4 बजे मंगल आरती की जाती है। 4 बजे माँ की ये जागरण यानी मंगल आरती के साथ ही जो है मंदिर में माँ के जो भी सारे कार्य होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है कि माँ के साथ मंदिर का दिनचर्या शुरू होता है। तो 4 बजे जो है मंगल आरती होती है, उसके बाद जो है माँ का स्नान आदि कार्य होता है। माँ को जो है दातून दिए जाते हैं, स्नान करवाए जाते हैं, और उसके बाद जो है माँ को वस्त्र से जित कर उसके बाद गहने पहनाकर जो है माँ की धूप आरती की जाती है। हाँ दोस्तों, ये केवल धूप आरती नाम से बहुत विख्यात है। दक्ष्मिनेश्वर मंदिर में ये धूप आरती माँ के स्नान कार्य के बाद जो है वो एक विशेष नियम या फिर विशेष आरती आप बोल सकते हैं। इसे कई लोग श्रृंगार आरती भी कहते हैं कई जगह पर दक्ष्मिनेश्वर मंदिर में इसे धूप आरती ही कहा जाता है। यानी कि मंगल आरती हो गया, उसके बाद माँ के स्नान आदि कार्य के बाद जो है माँ की धूप आरती, इसके बाद सुबह की पूजा, प्रतिदिन की जो नित्य पूजा होती है वो पूजा पंचोपचार विधि के साथ किए जाते हैं। माँ को जो है गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य प्रदान किए जाते हैं। तो इस पूजा के बाद भी एक बार पूजा आरती की जाती है। इसके बाद दोपहर 12 बजे जो है माँ को भोग लगाया जाता है। भोग में प्रतिदिन अन्न का होना बहुत ज़रूरी होता है। अन्न और मछली जो है वो प्रतिदिन माँ को भोग में चढ़ाया जाता है। साथ में जो है दाल चढ़ाए जाते हैं, उसके साथ साथ जो है 5 तरीके की सब्जी चढ़ाए जाते हैं, पर 2 प्रकार के मछली जो है वो सीजन के हिसाब से माँ को दिया ही जाता है। बिना मछली के जो है यानी माछ भोग कहा जाता है इसे, बिना माछ के जो है माँ को भोग नहीं चढ़ाया जाता है। प्रतिदिन की पूजा में माछ भोग आवश्यक होता है। इसके बाद जो है माँ का विश्राम का समय होता है। गर्मी के समय जो है ये मंदिर 4 बजे खुलता है, और शीतकालीन मंदिर जो है वो 3:30 बजे खुल जाता है। इसके बाद जो है माँ को वैकाली दिया जाता है, यानी कि माँ के मुंह धोने का जल, माँ को आचमन आदि का जल देने के बाद जो है माँ को वैकाली, उसमें होता है छेना होता है, उसमें नारियल लड्डू होते हैं, उसमें मिश्री होते हैं, उसमें जो है बतासे वगैरह, फल मूल आदि ये सब कुछ होते हैं। इसे वैकाली आहार कहा जाता है, और ये देने के बाद जो है एक बार बहुत संक्षिप्त में आरती की जाती है, और फिर माँ की संध्या आरती और संध्या वंदना के लिए जो है माँ को प्रस्तुत कराया जाता है। माँ को फिर से जो है सुबह का जो ड्रेस होता है, यानी कि जो साड़ी गहने वगैरह माँ ने पहन कर रखे थे, उसे पूरी तरीके से परिवर्तन कर दिया जाता है, और नए साड़ी गहने आदि पहनाए जाते हैं संध्या आरती के लिए। ठीक 7 बजे शीतकालीन 6:30 बजे और बाकी समय में जो है ठीक 7 बजे जो है संध्या आरती शुरू होती है। दक्ष्मिनेश्वर मंदिर की संध्या आरती जो है वो बहुत विख्यात है। बहुत दूर दूर से लोग इसे देखने को आते हैं, इसके साक्षी बनने जो है वो आते हैं।
जो प्रतिदिन की आरती होती है उसमें जो पंचदीपक से आरती होती है, पर जो काली पूजा के दिन या फिर दुर्गा पूजा के समय जो आरती की जाती है उसमें 21 या 28 जो चांदी के दीपक होते हैं उसे घी से घी के बाती से जलाकर जो है माँ की आरती की जाती है। ये आरती जो होता है ना ये बहुत विशेष होता है। इसके बाद ही जो है ये माँ के शयन के लिए तैयारी होती है, तो माँ के सारे गहने आभूषण आदि ये सब कुछ खोल दिया जाता है, उन्हें रात्रि वस्त्र पहनाया जाता है और फिर जो है माँ को वो शयन के लिए निवेदन किया जाता है। इसके पहले जो है माँ को वो रात्रि भोजन यानी कि शीतल भोजन भी दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है दक्षिणेश्वर मंदिर में नित्य दिनचर्या जो है वो चलता है। माँ को केवल बनारसी साड़ी ही पहनाए जाते हैं, किसी भी दूसरे प्रकार के साड़ी जो है वहाँ पर माँ को नहीं पहनाए जाते, केवल बनारसी साड़ी और स्वर्ण आभूषण यानी कि सोने के गहने से ही जो है माँ के श्रृंगार किए जाते हैं। माँ को जो है प्रतिदिन जैसे मंगल आरती के बाद भी जो है एक संक्षिप्त भोजन लगाया जाता है जिसमें कि माखन मिश्री बतासे वगैरह ये सब कुछ होते हैं। उसके बाद स्नान आदि के बाद जो होता है धूप आरती के बाद जो होता है उसमें जो पूजा के जो भी सारे नैवेद्य होते हैं चावल का बतासे का फल मूल आदि जो है वो चढ़ाए जाते हैं। दोपहर में माँ को अन्य भोग देना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि माँ के साथ अन्य भोग जो है वो प्रतिदिन देना ही होता है मंदिर के प्रथम दिन से लेकर आज भी ये नियम जो है एक ही तरीके से चला आ रहा है। कम से कम कई समय ऐसा होता है कि बहुत सारे पद नहीं बनाए जा पा रहे हैं, यानी कि बहुत सारे व्यंजन जो है वो माँ को शायद अर्पित नहीं किए जा पा रहे हैं, पर उसमें भी जो है कम से कम 5 प्रकार के भाजा यानी कि आलू भाजा बैंगन से लेकर परवल इस प्रकार के भाजा और मछली जो है वो माँ को अवश्य चढ़ाना होता ही है चावल के साथ। हाँ दोस्तों, चावल का ही माँ को प्रतिदिन भोग लगता है यानी कि जिसे अन्य भोग कहा जाता है। शीतली भोग और जो बैकाली भोग होता है वो मूल रूप से छेना खीर वगैरह मिठाई वगैरह और बतासे मिश्री के जल जो होते हैं वही माँ को अर्पण किए जाते हैं। तो इसी तरीके से प्रतिदिन जो है माँ की सेवा पूजन चलती है और काली पूजा के दिन रात्रिकालीन जो पूजा होती है उसमें जैसे 108 भाग में माँ को नैवेद्य दिया जाता है, फल मूल आदि दिया जाता है। दोपहर में जैसे भोग तो चढ़ाए जाते ही है, उसी तरीके से काली पूजा के लिए क्योंकि वो विशेष पूजा हो रहा है रात्रिकालीन षोडशोपचार विधि से, तो उसमें भी उसके लिए एक अलग से भोग बनता है, उसमें भी माँ को मछली का भोग चढ़ाया जाता ही है। शाक्त नियम के अनुसार जो है माँ की पूजा में मछली देना बहुत आवश्यक होता है और इसी विधि का पालन करते हुए दक्षिणेश्वर मंदिर पहले दिन से लेकर आज तक एक ही विधान के साथ माँ के इस नियम का पालन करते आ रहे हैं। यहाँ पर नित्य सेवा और पूजा में माँ की आरती और सेवा ही मूल होती है, जबकि इन अमावस्या के दिन तीन अमावस्या जो कि बहुत खास होता है दक्षिणेश्वर मंदिर में, एक तो दीपान्विता अमावस्या, एक तो फलहारिणी अमावस्या और एक जो है रटंत कालिका पूजा। इन तीन दिनों में जो है माँ की विशेष पूजा षोडशोपचार विधि से आयोजित की जाती है। बाकी दिनों में जैसे पंचोपचार में पूजा होती है और उसके साथ साथ आरती सेवा आदि कार्य चलता रहता है। दुर्गा पूजा के समय भी माँ की विशेष सेवा पूजा आदि किए जाते हैं। तो दोस्तों दक्षिणेश्वर मंदिर के विषय में ये वीडियो, ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस बारे में आप लोग अपना कोई विषय जो है शेयर करना चाहते हैं मुझसे तो वो भी आप कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।